हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मखाना शेक। ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आप ब्रेकफास्ट में एक ग्लास मखाना शेक पीते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जी देगा। इसके लिए मैंने हाफ कप मखाना, जिनको फॉक्स नट भी कहते हैं, ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में देखिए फाइन पाउडर बना लिया है। अब इससे मखाना शेक तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने 5 बादाम को, 3 काजू और ये 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स को पानी में 2 घंटे पहले भिगो दिया था, ये इसमें डालेंगे। बादाम को फिर छील लिया है, 1 डेढ़ को सीड निकाल के दूध में भिगा दिया था, ये भी इसमें डालेंगे। हाफ पका हुआ बनाना डालेंगे, हाफ ग्लास मिल्क डालेंगे, बाकी मिल्क बाद में ऐड करेंगे। जो मखाने रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, 1 टेबलस्पून इसमें पीनट बटर डालेंगे। ये अनसॉल्टेड पीनट बटर है तो हम नवरात्रि में इसको आराम से खा सकते हैं। पीनट बटर बहुत ही हेल्दी होता है। 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून हनी डालेंगे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो गई हैं। अब इसमें बचा हुआ दूध डाल देंगे। पहले थोड़े कम दूध के साथ ग्राइंड करने से सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाती हैं। एक बार इसको फिर से चला लेंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। अब एक ग्लास ले लें, थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे। लीजिए, बन के तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी मखाना शेक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से पिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।